राहुल गांधी इस वक्त अब दरगाह के अंदर चादर चढ़ाकर बाहर निकलते हुए यहां पर देखे जा सकते हैं। तमाम जो लीडर्स हैं उन्होंने बाहर निकलना शुरू कर दिया है, जो उनके साथ अंदर मौजूद थे, जो दरगाह प्रशासन था, उन्होंने निकलना शुरू कर दिया है दरगाह के अंदर से। और अब चंद सेकंडों बाद राहुल गांधी भी तस्वीरों में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं दरगाह के अंदर से चादर चढ़ाने के बाद निकलते हुए। और जो तमाम लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। ठीक सामने राहुल गांधी की गाड़ी भी यहाँ पर लगी है। और अब यहाँ से राहुल गांधी इंडिया गेट होते हुए लाल किले की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो कहा जा सकता है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दरगाह पर राहुल गांधी इस वक्त अंदर मौजूद हैं, जहां पर वो चादर चढ़ाने के लिए गए हुए हैं। जी ठीक है, तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र आप बने रहिए और शिवांग माथुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांग का मैं रुख कर लेता, शिवांग आपके पास क्या जानकारी, राहुल गांधी इस वक्त बाहर निकल रहे हैं दरगाह से? देखिए राहुल गांधी करुणा अभी बाहर निकल रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो भीतर हैं, अंदर हैं। और अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो निकल के आए हैं बाहर। शक्ति सिंह गोहिल भी हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। उसके अलावा केसी वेणुगोपाल जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी राहुल गांधी को अकंपनी कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली प्रदेश के तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो भी राहुल गांधी के साथ अंदर गए हैं। कुछ लोग उनका बाहर इंतजार कर रहे हैं। भारी सुरक्षा का इंतजाम भी यहाँ किया गया है, क्योंकि ये रेजिडेंशियल इलाका है और काफी कंजेस्टेड इलाका है। कुछ ही क्षणों के अंदर राहुल गांधी भी बाहर निकलेंगे यहां से। अधीर रंजन चौधरी को तस्वीरों में साफ तौर पे देखा जा सकता है, वो जो है चादर चढ़ाने के बाद राहुल के साथ गए थे अंदर और अब वो बाहर निकल आए हैं। राहुल गांधी अंदर अभी मौजूद हैं, हो सकता है कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे हों। तमाम कोशिशों के बाद भी अंदर परमिशन नहीं दी गई है मीडिया को, और इसीलिए हम लोग बाहर से ही कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी से यहाँ कुछ बातचीत हो पाए। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी जो है राहुल गांधी ने एक झलक तो कैमरे की ओर देखी थी, लेकिन बात करने से मना कर दिया। संभवतः हो सकता है कि जब लाल किले की प्राचीर पे वो पहुंचेंगे तो हो सकता है कि वो मीडिया से मुखातिब हों, क्योंकि उसके बाद एक ब्रेक लंबा है। 3 तारीख को फिर ये रिज्यूम होगी यात्रा, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी जब अटल समाधि पे जाएंगे, जब महात्मा गांधी की समाधि पे जाएंगे, ठीक करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे, या फिर लाल किले पे जब ये यात्रा खत्म होगी वहां पे राहुल गांधी जो है मीडिया बिल्कुल, क्योंकि जब बदरपुर बॉर्डर पर जब एंटर हुई थी यात्रा, उस दौरान राहुल गांधी ने सुबह सुबह बयान दिया था, बोला था, और उसके बाद अब लाल किले पर जाकर, क्योंकि ये 23 किलोमीटर का फासला कवर करके लाल किले पर खत्म होगी दिल्ली में। इसके बाद हालांकि 9 दिन के विराम के बाद ये यूपी में एंटर हो जाएगी, लेकिन दिल्ली में जब ये आज लाल किले पर समाप्त होगी तो वहां पर क्या बोलते सबकी नजर होगी। जितेंद्र एक बात समझाइए, लगातार इस यात्रा के दौरान आप बने रहे और दिल्ली के जो कांग्रेस के नेता वो भी थे, हालांकि जो नेशनल चेहरे वो तो नजर आई, लेकिन जो दिल्ली कांग्रेस है खासतौर पर वो कैसे इसको देख रही है राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की हालत क्या है ये सब जानते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाए। देखिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, वो तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। चादर चढ़ाकर अनिल चौधरी अब बाहर निकले, राहुल गांधी के साथ ये भी मौजूद थे। इसके अलावा अभी हमने खुद श्रीनिवास से बात की जो कि यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही यात्रा नॉर्थ इंडिया के अंदर आई या फिर कहें दिल्ली के अंदर जैसे ही उसने एंटर किया, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ाव देखा जा रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा से। बड़ी संख्या में लोग सपोर्ट करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और भीड़ भी काफ़ी देखी जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी जो राहुल गांधी है वो इस वक्त इसी निजामुद्दीन औलिया दरगाह के अंदर मौजूद हैं, जहां पर वो चादर चढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। और तमाम लीडर्स अब एक एक कर बाहर निकलना शुरू कर दिया उन्होंने, और अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी भी इसी दरगाह से बाहर निकलते हुए साफ तौर पर तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं अनिल चौधरी यहां पर पहुंचे हैं दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम लीडर हैं अब उन्होंने एक एक कर बाहर निकलना दरगाह से शुरू कर दिया है। जी ठीक है, जितेंद्र आप बने रहिए, शिवांग आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राहुल गांधी जो कि निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे, अंदर की तस्वीर हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं जहां पर चादर चढ़ाई और जियारत की है, इबादत करने के लिए पहुंचे, और इसके बाद अब बाहर निकलने की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल चौधरी जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है दिल्ली के, वो भी उनके साथ मौजूद है, और तमाम जो कांग्रेसी नेता लीडर्स है वो उनके साथ मौजूद है। तो ये तस्वीरें इस वक्त काफी अहम है। इसके बाद जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे कि इंडिया गेट का रुख करेगी हजरत निजामुद्दीन के बाद, और फिर आखिरकार दिल्ली के अंदर जो यात्रा है वो पहुंचे लाल किला, जहां पर आगे क्या कार्यक्रम होता है कि तमाम जो तैयारियां वो की गई, लेकिन सबकी नजर इस बात पर होगी कि जब दिल्ली में ये जो यात्रा दाखिल हुई उस दौरान भी हमला बोला गया राहुल गांधी की तरफ से, खासतौर पर बीजेपी को लेकर। अब जब ये लाल किला पहुंचेगी वहां पर भी तमाम तैयारियां की गई, वहां पर राहुल गांधी क्या बोलते हैं ये देखना होगा।